हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एपिसोड 2 ऑफ स्टेप बाय स्टेप बिगिनर फ्रेंडली मेकअप ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आप मिनटों पे दोनों आईज में सेम टू सेम ऐसे ही विंग आईलाइनर लगा सकते हैं। इस वीडियो में होने वाली है बहुत सारी हैक्स, तो आप एंड तक इसको जरूर देखें। और फर्स्ट एपिसोड में मैंने बताया था आप फ्लॉलेस मेकअप बेस कैसे पा सकते हैं, चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं हूं मोइत्री और मैं वीडियोस बनाती हूं वेट लॉस टिप्स एंड रेसिपीज, फिटनेस, ब्यूटी, मेकअप, स्टाइलिंग, प्रोडक्ट रिव्यूज, DIY, तो इन सबको देखना है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन साइन को हिट कीजिए। सुंदर सी विंग आईलाइनर बनाना तो हम सभी लड़कियों की विश रहती है, लेकिन दोनों आईज की विंग को सेम करने के चक्कर में कभी हम इस लाइनर को पोंछते रहते हैं कभी उधर की, और फाइनली जो रिजल्ट निकलता है वो ऐसा डरावना हो जाता है ना, तो वो ना हो इसीलिए है आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं एज यूजुअल एक हैक के साथ जो आपकी विंग लाइनर की स्ट्रगल को एकदम इजी कर देगी। इसके लिए मैंने एक मेडिसिन कार्टन का कटआउट ले लिया है, आप चाहे तो कोई पेपर कटआउट ले सकते हैं। फिर लेंगे टैल्कम पाउडर और उसको कर लेंगे कहीं पे पोर, आप चाहे तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगा सकते हैं। अब पेपर कटआउट को पाउडर पे डिप करके आंखों के आउटर कॉर्नर पर लगानी है एक स्टैम्प। अब वैसे ही दूसरी आई पर भी लगाइए और दोनों सेम ना लगे तो फिर मिटा लीजिए, और जब तक आप सेटिस्फाई ना हो मिटाइए और लगाइए, क्योंकि नो पैंडा आईज की टेंशन। इस हैक से तैयार हो गई है आपकी परफेक्ट विंग लाइनर की गाइड। ये आप कभी भी परफेक्ट विंग आईलाइनर लगा सकते हैं, वो भी इजीली। यहाँ तक तो आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग ही रही है ना, तो एक लाइक तो बनता ही है। जल्दी से जाके लाइक बटन को हिट कर लीजिए ताकि मैं ऐसे अच्छे वीडियोस आपके लिए और भी लाऊं। और बस इसी तरह से हमारी दोनों आईज की गाइड कंप्लीट हो गई। मैं यूज करने वाली हूँ लैक्मे की इंस्टा लाइनर, मुझे लगता है ये सभी के पास होती है। तो हैक नंबर 2, अब जब भी लाइनर लगाने के लिए वॉन्ड को निकालते हैं बॉटल से, तो बॉटल पर ही वॉन्ड को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, जैसे मैं दिखा रही हूँ। इससे एक्सेस लाइनर जो है वॉन्ड पर नहीं लगी रहेगी और वो आपके आईलैशेस पर लगकर मेसी नहीं होगी। पाउडर का जो हमने गाइड बनाया था उसी के बराबर हम विंग को खींचते हुए बाहर की ओर लेके आएंगे, और उतना ही दूर हमको खींचना है जितना बड़ा विंग हमको चाहिए। अब विंग के एंड पॉइंट से लेकर हम कुछ दूरी तक एक ट्रायंगल बना लेंगे जैसे मैंने बनाया है, और फिर हम इनर कॉर्नर से लेकर उसी ट्रायंगल के एंड पॉइंट तक छोटे छोटे स्ट्रोक से हम लाइनर नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। अगर आप बिगिनर है तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स ही कीजिए ताकि मेस ना हो जाए। और ये सब करते वक्त आप अपने एक हैंड को स्टेबिलाइज करके अपने गालों पर रखें जैसे मैंने रखा है। फिर ये जो एक जगह डेफिशिएंट क्रिएट हो गई है इसको हमको फिल करना है। बेसिक फंडा हमारा यही रहता है कि पूरी चीज़ों को हम अलाइन करें अच्छी तरीके से, कोई जगह अनफिनिश्ड और अनटच्ड ना रहे, मतलब लाइनर स्मूथ रहे। और अगर आप बिगिनर है तो थोड़ा वक्त तो ज़रूर लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते ज़रूर इसको अच्छी तरह से कर पाओगे। अगर मैंने कर लिया तो आप ज़रूर कर पाओगे, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट कुछ है नहीं। अगर आपको मेरी वर्बल बातें सुनकर समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इजीली इसको फॉलो कर लेंगे। पॉइंट पे मैं सारे चीजों को एक स्मूथ फिनिश दे रही हूँ ताकि कोई भी जगह लेफ्ट आउट ना रहे और एक स्मूथ फिनिश मिले। इस पॉइंट पे आप चाहे तो अपने विंग को थोड़ा सा एक्सटेंड करके पॉइंटेड भी बना सकते हैं ताकि ये और सुंदर लगे। अब मैं सेम लाइनर से आईज की लोअर वाटर लाइन पर भी लाइन कर ले रही हूँ, वही लिक्विड लाइनर। अगर आप लिक्विड लाइनर में कंफर्टेबल नहीं है लोअर वाटर लाइन को लाइन करने में, तो आप नॉर्मल काजल पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप लाइनर यूज तो लग रही है ना ये कंप्लीट। और फाइनली मैं अपने लैशेस में मस्कारा लगा लूंगी। जब आपका सारा चीज कंप्लीट हो गया है तो आप हल्के हाथों से जो पाउडर का गाइड क्रिएट किया था उसको मिटा लें, और ध्यान में रखिए जब आपकी लाइनर ड्राई हो गई है तभी करें, नहीं तो फिर ये मेसी हो सकता है। और देखा ना आपने कि कितना इजी होता है दोनों आईज पे विंग आईलाइनर लगाना, जो एकदम जुड़वा बहने दिखने वाली है। दोनों आईज में जुड़वा बहनों जैसी विंग आईलाइनर कंप्लीट हो गई है। तो आप एपिसोड 3 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन साइन को जरूर हिट कीजिए, और हम मिलेंगे बहुत जल्द हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।